अरुण, सबसे पहले आप ही के पास आज किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हाईवे को जाम करेंगे और अपनी मांगों को और भी ज्यादा तेज करेंगे। क्या तस्वीरें इस वक्त बॉर्डर की हैं? जी अंशिका, मैं बता दूं, मैं डासना NH9 पर खड़ा हूं, जो यहाँ का मेन टोल है। ये आपके दिल्ली को जोड़ता है, दिल्ली फरीदाबाद का ये टोल है जो यहाँ से जाता है। और मैं तस्वीरों में दिखवाना चाहूंगा कि पीछे बिल्कुल लंबी कतार लग चुकी है, लंबा जाम लग चुका है टोल पर। हालांकि अभी किसानों का आवागमन नहीं हुआ है, लेकिन टोल कर्मियों से यहाँ पे अभी झड़प की आशंका हमें दिख रही है, क्योंकि कुछ जो वर्कर हैं, कुछ जो वहाँ से दिखाना चाहूंगा अंदर बैठे हैं, उनसे भी बात भी हम करेंगे। लेकिन अभी उनको स्थिति ये साफ नहीं आ रही है कि टोल फ्री करना है या नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसानों का जो संगठन है, किसानों की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई आया नहीं है। इसका इसी का दो कारण हो सकते हैं। एक तो सुबह का मौसम है अभी, क्योंकि अभी कोहरा भी ज्यादा था और सुबह से बारिश भी लगातार गाजियाबाद में हो रही है। तो अभी देखने वाली ये बात होगी कि किसानों का संगठन जो आता है यहाँ पर, तो इसको टोल फ्री कराता है या नहीं कराता है, ये एक बड़ी बात होगी अंशिका। जी बिल्कुल अरुण, आप ठीक कह रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि अभी धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं और भी ज्यादा साफ होंगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना कि आखिर किसान किस तरीके से बॉर्डर पर डटे रहेंगे। लेकिन फिलहाल यूपी में आप ग्राउंड पर क्योंकि मौजूद हैं, तो किसानों का क्या कुछ कहना था कि वो इसके अलावा और क्या करेंगे अपनी आवाज को और तेज करने के लिए? जी बिल्कुल अंशिका, मैं बता दूं कि जो हमारे किसानों के संगठनों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके कार्यालय हैं, उनका भी घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट पर भी हम प्रदर्शन करेंगे और रोड भी जाम करेंगे। उसकी अभी तक की ये बातें सारी निकल के सामने आ रही है अंशिका, लेकिन अभी जो थोड़ा 9 या 10 बजे के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आगे की कंटिन्यू क्या होगी। और ये इसका जो आज टोल खुलवाने का या जो आप कह रहे हैं रोड जाम करने की स्थिति जो है, वो शायद 10 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।